हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग काली रमन फैमिली ब्लॉग। गाइस, आपने मेरे फार्म की बस कोठी नहीं देखी थी और सारी चीज़ देख ली थी। चलो अब चलते हैं। पहले कोठी के अंदर जाने से पहले लाइट जला रहे हैं, तो लाइट जल गई। बटन से लाइट जल जाती है। और अब गेहूँ की कटिंग हो रही है। चलो अब चलते हैं, बैठ जा भैया दित्य। कोठी का गेट खोला है, आ जाओ अंदर चलते हैं। अरे पूजा, गाइस ये हॉल है पूरा, और ये लिफ्ट थी सेकंड फ्लोर पे जाने की। इधर की लाइट कहाँ तक चलेगी? ये किचन थी, अब बंद है, तो अब कुछ भी अच्छे से नहीं है इसमें। देखो किचन बहुत बड़ी थी इसमें। ये रूम था, फेवरेट रूम था ये। ये पापा जी का फेवरेट रूम था, और सबसे फेवरेट तो ये बोल। इस कमरे में सांप भी है बहुत सारे, जो निकाल रखे हैं अभी। ये गाइस ऊपर जाने का रास्ता है, इधर भी रूम है। यहाँ जितने भी लोग फार्म में रहते थे वो सारे इस रूम में सोते थे। और ये जो अभी रूम दिखाया उसका सेकंड डोर है। एक ये कमरा गाइस, और गाइस ये सीढ़ी है जो अभी हम नीचे से आए थे ना, उस साइड का एक है। देखो यहाँ से कैसा लगता है पूरा फॉर्म। पूरा तो नहीं है, इस पेड़ की वजह से अभी आधा दिख रहा है, नहीं तो पूरा था। गाइस अब आगे चलते हैं। ये ऑफिस था, और ये छत है यहाँ। ये पंडाल है, अभी पंडाल की तरफ भी चलते हैं। और ये हॉल है ऊपर का जहाँ पार्टी होती थी। और ये है स्विमिंग पूल जो हम नीचे जाके आपको दिखाएंगे। और चिड़िया देखो यदि, स्विमिंग पूल है। कॉपीराइट जा रहे हैं हम, आपको एक्सप्लोर कर दिया पूरी कोठी। रूम दिखाने लग गया तो बहुत देर की वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं गाइस रूम दिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने ऊपर से ये एक्सप्लोर करा है। और ये जो स्विमिंग पूल की पार्टी होती थी, ये स्विमिंग पूल से अटैच है वाला रूम। अंदर एक डोर है बाहर, और ये वो है स्टोर रूम जिसमें बहुत गंदी बदबू आती है। जी हाँ, हम इस वाले में क्रिकेट खेलते थे। देखो हमने घास भी काट रखी है, यहाँ से क्रिकेट खेलते थे। और मैंने रिक्शा यहीं कुदा दी, अब ये चढ़ाते हैं रिक्शा को। डोर लॉक कर रहे हैं, अब पूरी कोठी लॉक करनी पड़ती है। कोई शाम को सोते हैं कोठी में, इसलिए दिन में तो लॉक करके रखनी पड़ती है, क्योंकि सब काम करते हैं फिर कोई घुस जाएगा कोठी में।
चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, अनगिनत पेड़। अभी ऊपर इसका चढ़ा रहे हैं और फिर पीछे चलेंगे, पीछे की उंगली कटा है, कटिंग होने लगी है, होने वाली है। गाइस अब पीछे जा रहे हैं, पीछे ना गेहूं की कटिंग हो रही है और धूप बिल्कुल आग में लग रही है। और ये बैक गेट है फार्म का और अब चल रहे हैं पीछे। और मैं रिक्शा के ऊपर खड़ा हूँ आसमानों की ऊंचाइयों में। यहाँ देखो पेड़ों की कटिंग हो रही है, ज़्यादा बड़े पेड़ हो जाते थे। और ये देखो मोर फाइनली दिख गया जब से ढूंढ रहे थे। और यहाँ एक्टिविटी करने का था, अभी गाइस मैं गिर जाता पीछे की तरफ। देखो ये दादा बैठे हैं और पीछे कटिंग हो रही है। अब तो गेहूं की कटिंग कंप्लीट ही हो गई, बस थोड़े से देखो जूम करके दिखाता हूँ मैं, थोड़े से बस वहाँ रह रखे हैं और ये बांध भी रखे हैं। अब बस बीच में कल परसों कर देंगे इकट्ठे और फिर भैंसों के लिए टूड़ा और हमारे लिए खाने के लिए गेहूं बन जाएंगे। और ये पंडाल तो मैंने दिखाई रखा है, कबूतरों का घर। बाय बाय गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।